सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली थी, तो सोचा कि एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूँ, और एक छोटा सा ब्लॉग है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को, और आज हम जाने वाले हैं एवेंजर्स एंड गेम। और ये जो वीडियो है स्पॉइलर फ्री होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना और बताऊंगा कैसी लगी मूवी, और यहाँ पर काफी सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी दुनिया को और बेल आइकन को दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सो आज हमारे साथ है शाश्वत, आर्यन एंड नीरज भैया। सब हाय बोलो। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि अभी मूवी जो है 2-3 दिन पहले लीक हो गई थी, तमिल रॉकर्स ने उन्हें लीक कर दिया था। तो यार बड़ा सिचुएशन अजीब सा क्रिएट हो गया था, हमें लगा कि यार हमारे टिकट के पैसे वेस्ट हो गए, बट बहुत ही ख़राब क्वालिटी में है। एंड देखना नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूवी है वो, और फिल्म मेकर्स ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है उस मूवी को बनाने के लिए। तो यार उनकी मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहिए, मूवी सब जाओ देखो, बहुत अच्छी मूवी होने वाली है। हम लोगों को पता है एज यूजुअल मार्वल की मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और मैं जितने भी स्पॉयलर्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, मैं उनको स्किप कर रहा हूँ, और वहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि यार उनको नहीं देखूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और यार कल कमेंट भी स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ भी स्पॉयलर्स मिले, तो मैंने जल्दी से कमेंट सेक्शन भी बंद कर दिया। ये देखिए जियो गीगा फाइबर का काम चल रहा है यहाँ पे, पता नहीं कब शुरू होगी, बहुत दिनों से काम चल रहा है। सो दोस्तों ये देखिए, ये मेरा स्कूल है, और यहाँ पर अभी मलयाली एसोसिएशन का गोल्डन जुबली चल रहा है। भीड़ देख रहे हो, क्रेज कितनी है मूवी की, और अभी तो लोग आना ही स्टार्ट हुए हैं, जब पूरे आ जाएंगे तब दिखाऊंगा। सो गाइस बहुत ही मजा आ रहा है, नीरज पैसे जानते हैं कैसी लगी मूवी? बढ़िया। शाश्वत? बहुत अच्छा। और अभी तो मूवी का सिर्फ आधा पार्ट खत्म हुआ, मतलब इंटरवल हुआ है, और मूवी खत्म होने के बाद बताता हूँ कि कैसी है मूवी। सो गाइस अभी हम मूवी देख के बाहर निकले हैं, एंड मूवी काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड निकली, जैसा हमने सोचा था उससे कई ज़्यादा अच्छी है। लेकिन आखिरी मूवी के आखिरी आधे घंटे आपको एक्शन देखने को मिलता है, इमोशनल कर देती है मूवी काफ़ी ज़्यादा, और मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप लोगों को कैसा लगा मूवी? नीरज भैया, हाउ इज़ द मूवी? ही सैड, वो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा कि क्यों वो सैड है। एंड हाउ वाज इट आर्यन? फाइन। शाश्वत? इंटरवल की बात अच्छा। सब थोड़े से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट जो आखिरी 30 मिनट है ना, दैट विल मेक यू क्राई, आई एम गोना टेल यू दैट। और काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी गई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा डायरेक्शन करा गया है, वीएफएक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और यहाँ पर मज़ा आता है मूवी, मतलब आखिरी 30 मिनट सब, लिटरली बता रहा हूँ मैं, सब इतने शाउट कर रहे थे, और यहाँ पर जो आखिरी क्या जो 30 मिनट है इसमें लोगों ने चिल्लाया भी, रोए भी लोग, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिला। लिटरली बता रहा हूँ मैं, खुद रो दिया था आखिरी के 30 मिनट, और यहाँ पर मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी है कि नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यार जो मार्वल ने किया है ना, वो
आपको सच में रुला देगा। और मूवी जाओ देखने, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और साथ ही साथ एक और बात बता दे रहा हूँ, अब मूवी के बाद 15-20 मिनट वेस्ट मत करना, कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है इस मूवी में। और सो राइट नाउ वी आर एट फूडियापा और अभी हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी तो हम यहाँ कुछ खाने के लिए आए। सो अभी हमने ऑर्डर करा है चिकन चाउमिन, चिकन संगाई और चिकन रोल। सो लेट्स सी कैसा है खाना और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सो ये है प्राइस लिस्ट, आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे। सो अभी हम घर आ चुके हैं एंड अगर बात करें फूड की तो सबसे पहले ओपिनियन लेना चाहूँगा आर्यन से, कैसा लगा तुम्हें रोल? अच्छा था। और साशो तुम्हें संघाई कैसा लगा? नॉर्मल टेस्ट, ज़्यादा कुछ खास नहीं। और नीरज भाई आपको? अच्छा, इन्होंने चिकन चाउमिन ऑर्डर करा था और मैंने भी चिकन चाउमिन ऑर्डर करा था एंड अच्छा था, नॉट ऑल दैट जितना बहुत अच्छा बोलते हैं वैसा नहीं था, लेकिन हाँ अच्छा था। सो नाउ इट्स 8:44 एंड आई एम बैक होम और करीब 6 घंटे हो गए मुझे घर से निकले हुए। और यहाँ अगर बात करें मूवी के बारे में तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे तरीके से बता देता हूँ क्योंकि उस समय बाहर में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी तो यहाँ पर हो सकता है आप लोगों को अच्छे से नहीं सुन पाए हुए, लेकिन यहाँ पर मैं डिटेल में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी स्पॉयलर्स नहीं होने वाले तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले अगर बात करें मूवी के फर्स्ट हाफ की तो मूवी के फर्स्ट हाफ में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी सीन्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर मज़ा आता है। मतलब मूवी के पूरे मूवी के दौरान आप कभी बोर नहीं होगे, आपको एक सेकेंड के लिए भी नहीं लगेगा कि हाँ यार मूवी बोरिंग है या फिर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी मूवी है। और अगर बात करें दूसरे पार्ट की, सेकेंड हाफ के इंटरवल के बाद की, तो यहाँ पर आपको इस पार्ट में आपको कॉमेडी देखने को मिलेगा, एक्शन देखने को मिलेगा और साथ साथ इमोशनल कर देगी आपको मूवी। खासकर मूवी के आखिरी 30 मिनट जो है वहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाओगे अगर आप मार्वल के फ़ैन हो बहुत पहले ही से। तो यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ, आपको उसके लिए मूवी देखनी पड़ेगी। और जो जितने भी लीक्स आपको देखने को मिले हैं उन सबको हटाओ, मैंने काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करा मूवी के जो जहाँ पर भी देखते थे मैं उसको स्किप कर देता था, मैं तुरंत हटा देता था ताकि मुझे कुछ भी पता ना चले। और कल लिटरली मैंने कमेंट पढ़ा, एक फेसबुक पेज पर मैं स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ कमेंट पढ़ा एंड आई इट किल्ड मी। और आज मूवी में वही हुआ, मैं आपको बताऊँगा नहीं, लेकिन हाँ मूवी जाओ, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा डायरेक्शन करा गया है, बहुत स्टैनली का लास्ट मूवी है, स्टैनली भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे और उनका लास्ट जो है अपीयरेंस है और उसके बाद उनका डेथ हो गया था तो और आगे कोई भी मूवीज में देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं अगर बात करें यहाँ पर VFX की तो VFX भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से रोल करा है। और मूवी का जो लास्ट 30 मिनट्स है उस समय लोग जो थे, लिटरली बता रहा हूँ, पूरे हॉल में बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोग चिल्ला रहे थे, तालियां बजा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, यार मज़ा आ गया था। लेकिन तभी इमोशनल हो जाती है सीन और उसके बाद फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिलेगी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और यही था मेरा छोटा सा रिव्यू, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि अगर इससे ज़्यादा बता दूंगा तो स्पॉइल हो जाएगा और आप लोगों को फिर देखने में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन हाँ मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरा छोटा सा ब्लॉग था और मुझे बहुत दिन से मन कर रहा था मैं ब्लॉग करूँ, तो फाइनली दिस इज़ द सेकंड ब्लॉग आई एम शूटिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा पहला ब्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको आई कार्ड्स में उसके लिंक मिल जाएंगे। और इसी तरह के ब्लॉग्स और टेक रिलेटेड स्टफ्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि आपका सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है, ठीक है? आपको हमें सपोर्ट करना है और यहाँ पर हम बहुत सारे कॉन्टेंट्स लाने वाले हैं, तो हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस घंटे को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले, ठीक है? अगर आपको कोई भी सवाल है, सुझाव है, कोई भी चीज़ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और साथ साथ अगर आपने मुझे अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो नहीं करा है तो मेरे सोशल मीडिया लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।